पहला पेच लड़ाएंगे आज हमारे पिंटू भाई। चलिए देखते हैं ये पेच। ऊपर से ओपोनेंट है लेफ्ट साइड, अंदर आता हुआ पिंटू भाई ने चक्कर दिया, अंदर ले जा रहे हैं राइट साइड। वो रखता हुआ थोड़ा बाहर निकाला उसने, पिंटू भाई ने पतंग को चक्कर दिया, वो करीब करा रहा पतंग उसकी गोल फर्मे की डमरू, उसने और रखा डोरों पे, और रखा पिंटू भाई ने बस डोरों पे रख लिया। वो थपकते हुए उठ रहा है, इन्होंने अंदर थपकी मारी है लेफ्ट साइड ऊपर से, ध्यान से अभी डोर लगी नहीं है, अभी डोर लगी नहीं है, और ऊँचा कर लिया पिंटू भाई ने, ये पट पर थपका लगा लिया, गिरा दिया, वो गिराया कन्ना उनका, और इसे कहते हैं कन्ने काट देना। लेकिन ये जानकारी होगी तभी काट पाओगे, वरना डोरी नहीं समझ में आएगी कहाँ ये हमारा पिंटू द बाहुबली। आए दोस्तों पिंटू भाई का हम देखेंगे दूसरा पेज। पहला पेज बढ़िया काटा, आप नीचे का पेज लेंगे, लेफ्ट साइड वाली पतंग अभी नीचे जो चक्कर खा रही है नीचे से फेरेंगे लेफ्ट, अब ऊपर वाली है। हवा थोड़ी सी भाग रही है राइट साइड की तरफ, यानी जिस तरफ ओपोनेंट खड़े हैं, लेफ्ट साइड ऊपर ओपोनेंट, पेच काट के नीचे की जगह मिली है हमारे पिंटू भाई को, ऊंचा कर रहे हैं, हवा थोड़ा सा अभी बाउंडियाली चल रही है, यानी ऊपर ऊपर नीचे लाते हुए पिंटू भाई की पतंग। देखिए रेड कलर की पतंग है, थोड़ा विजिबिलिटी कम है, और रखा ओपोनेंट ने लेफ्ट साइड, थोड़ा सा पट किया इन्होंने राइट साइड नीचे से पतंग, उसने रखा थोड़ा और पट किया, उसने और लादा और पट किया, फिर अंदर की तरफ तेज खींच रहे हैं यही खींच लेंगे, उसने डोरों पे रख लिया, आप जल्दी से इन्होंने भी डोरों पे रखा, नहीं तो अगर खींच लेते तो कट सकते थे। पतंग पास होनी चाहिए, पतंग मर रही है हमारे पिंटू भाई की, देखते हैं क्या होता है। पतंग को चलाया अंदर के बल रखे, सही है हवा, पतंग पास हो दोनों की, चलिए पतंग हट गई, हट गया पेच, पेच हट गया है शायद, पता नहीं, देखते हैं, हट गया। अब पतंग कहीं टूट ना जाए ये देखना है। फिर से अंदर की जगह लेते हुए उसने रखा, चेहरे से ही रख रहा है ओपोनेंट, और रखा और रखा, दीवार आ गई, अब एक ही पतंग दिखेगी, उसने और रखा, इन्होंने अंदर के बल रखे, उसने भी बलों पे रखा, डोर छोड़ी, पतंग दिख रही है आपको, उसने भी बलों पे रखा है समझ लीजिए। पिंटू भाई की पतंग दिख रही है, अब दोनों पतंगे दिख रही हैं, इन्होंने ऊंचा कर लिया जल्दी से, बढ़िया सही है, सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से लादे हुए, उसकी पतंग में हवा नहीं लग रही है, देखते हैं। झटके लगाए हैं और अभी भी है शायद, यस अभी भी है, और पेच काट दिया है पिंटू भाई ने, ये देख बढ़िया, ये पेच काटा है पिंटू भाई ने, अब पतंग टूट सकती है इनकी, बहुत देर तक पेच फंसा था। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से एक बार फिर से पिंटू भाई नीचे चक्कर दे रहे हैं, दो पेज काट चुके हैं लेफ्ट साइड, ऊपर से ओपोनेंट करीब करा रहे हैं पिंटू भाई भी, लेफ्ट साइड ऊपर ऊंचा करते हुए पिंटू भाई, उन्होंने बाहर का गद्दा शो किया है, पिंटू भाई ने ताकत से खींच लिया, यही खींच लेके चले जाएगा, वो डबल होता चले आ रहा, बढ़िया पेज, इस बार ताकत का पेज लड़ा दिया है, हालांकि पतंग उसकी डबल जरूर होती हुई उठ रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी खींचने में, इनकी भी पतंग बाहर गिर रही थी। आए दोस्तों चौथा पेज देख रहे हैं, पिंटू भाई भारी भरकम खेल दिखा रहे हैं, खींच के भी लड़ा लिया, थपक भी रहे हैं बढ़िया, आमिर की लच्छी है ये मांझा, लेफ्ट साइड वाले पतंग ऊपर से अंदर लाते हुए, इन्होंने अंदर की तरफ ताकत से रोका झटका और वो काटा, क्या बात है, बढ़िया पेज। तो मैं अभी आमिर का जिक्र कर रहा था, कहने का मतलब है आप ऐसा नहीं कह रहे कि ये कह रहे हैं तो ये कहीं से ख़रीद लीजिए, नहीं, लेकिन जो खिलाड़ी लड़ाता है, मैं फिर से नाम बताता हूँ आपको, बहुत सारे मांझे जैसे हंटर है, ड्रैगन है, रिजवान अली का सम्राट है, ज़ुबैर बेग हमारा जो है डेंजरस बनाते हैं, तेजस है, हसीन लल्ला है, निसार रिजवान खान, आमिर का मांझा होता ही है, इसके अलावा आज़म अजीम है,
इसके अलावा बहुत सारे मांझे हैं, लेकिन जो नामी मांझे होते हैं सिर्फ वही लीजिए, मतलब जो खिलाड़ी लड़ाते हैं उसमें सस्ते भी मांझे भी आते हैं, जैसे फरमान नियाजी वगैरह सस्ता आता है तो, लेकिन ऐसे मांझे ना लीजिए जैसे कुछ दुकानदार होते हैं वो अपने मांझे बनवाए रहते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, बीकानेर में भी एक दुकानदार है मांझा किंग करके आता है वो, खैर नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सब क्या है, डुप्लीकेसी का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ वो काम करते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उनको नहीं मालूम है पतंगबाजी क्या होती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मांझा तो अच्छा ले लेते हैं लेकिन देखते हैं मांझे से ही लड़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पतंगबाजी करने का कितना मतलब उनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मांझे से नहीं, सद्दी से उड़ाना चाहिए। तो वो जब इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हीं लोगों को ऐसे लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं। मैंने बहुत सारे भी मांझों के नाम नहीं लिए, ऐसे ही मांझे जहाँ से भी मिले अच्छे मांझे लड़ाइए, ठीक है। गुड्डू पप्पू का 777 आता है, इसके अलावा तमाम मांझे, कासिम रज़ा का मांझा आता है आजकल, वैसे जो ट्रेंडिंग में होते हैं वो मांझे लड़ाइए। चलिए अगला पेज लेने जा रहे हैं हमारे पिंटू भाई नीचे से। आइए दोस्तों, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से नीचे हमारे पिंटू भाई पाँचवा पेज लेने जा रहे हैं। ऊपर से अंदर की तरफ बढ़ता हुआ, रखता हुआ हल्के हल्के हाथों से पिंटू भाई अंदर बनाए, उसने रखा, लगाने की कोशिश कर रहा है, इन्होंने ताकत से बाहर लिया, अंदर के बल रखे, हवा बस मिलने वो गिराया, क्या बात है, अल्टीमेट ये पेस लगता है। तो पेस लड़ाना भी आना चाहिए, सिर्फ मांझा ही नहीं होता। लेकिन फिर मैं कहूँगा ऐसे मांझों से बिल्कुल दूर रहें जो दुकानदार बनवाते हैं, कहते हैं ये ना लो ये ले लो, हंटर की जगह ना लो ये ले लो, समझ रहे हैं, ड्रैगन ना लो ये ले लो, रिजवान अली का सम्राट ना लो ये ले लो, हसीन लल्ला ना लो ये ले लो, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये सब मांझे होते हैं ब्रांड, ये सबको नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने लोकल जैसे तैसे वाले मांझे बेचा करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। मांझा बहुत सारे हैं, कारीगर तमाम हैं, आप अपने हिसाब से चॉइस करिए, देखिए कि उसे खिलाड़ी लड़ा रहा है तभी लीजिए, या फिर उसमें धार हो बढ़िया और जमाव हो बढ़िया। लेकिन अननोन मेकर्स जो बिल्कुल आपने देखे नहीं है किसी चैनल पर, मेरे चैनल पर या और चैनल पर जो खिलाड़ी हैं वो नहीं लड़ाते हैं, तो वो मांझा नहीं लेना है, आप सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, चले लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से नीचे पिंटू भाई बने हुए हैं, चार पांच पेज काट दिए हैं, देखते हैं कैसे पार पाते हैं। अपोनेंट भारी भरकम पार तो लेके जा रहे हैं पतंग, लेकिन कम से लंगा रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, कम से देखिए अभी भी पतंग कम है फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। ऊँचा किया, इन्होंने गद्दा रखा ऊँचे पे ही, क्या करेंगे, बढ़िया डोरों पे रखा है, वो गिराया, कम से लड़ाएंगे कटते रहेंगे। देखिए पेज तो वैसे बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन उन सबसे मैं बोलूँगा कि गलती क्या है ये ज़रूर बताया करिए, ताकि जो हमारे जो बिगिनर्स हैं जो नए लोग हैं वो ज़रूर सीख सकें। अगर यही बढ़ से होता तो काम बनता, लेकिन इतनी ज़्यादा पतंग ऊँची कर ली थी, ये समझदारी होती है। ज़्यादातर जो पतंग के खिलाड़ी होते हैं अच्छा लड़ाने वाले, वो उनकी समझदारी होती है। आए दोस्तों अगला पेज देख रहे हैं हम, नीचे का पेज अब्बास भाई, पिंटू भाई की पतंग टूट गई, बहुत ज़्यादा जो है फंस फंस के लड़ी थी, काफ़ी अच्छे पेज लड़ा रहे थे। लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से नीचे से अब्बास भाई बढ़ते हुए, बढ़ते उसने गद्दा रखा, अब्बास भाई पतंग थोड़ी कम है, थोड़ा बाहर निकाला उसने, बढ़ से लड़ा रहा है वो, उसने गद्दा रखा बिल्कुल चेहरे पे, थोड़ा खाली कराया अब्बास भाई ने, और चलिए देखते हैं आप क्या करेंगे। ऊँचा खींचा है उसको, अंदर दिखा रहा है, इन्होंने डोरों पर रखा, ताकत से खींचा उसने भी, गद्दा लगाया, बढ़िया गद्दा मारा है, ये बड़ से गद्दा पड़ा है, कम से खींच रहे थे, बढ़िया पेच लड़ाया है ओपोनेंट ने। थोड़ी सी हवा जो है डाउन हो गई है, देख सकते हैं आप, इधर पतंगे उठ रही है और इधर ओपोनेंट्स खड़े हुए हैं, देखिए सब छाई की जुगाड़ कर रहे हैं, और मैं भी छाई में यूं इसके नीचे खड़ा हूँ। मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुला मौसम आ गया गर्मी का। चलिए पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, लेफ्ट साइड जो दूर लगी है, ऊपर से दिनचो भाई पतंग को चक्कर दे रहे हैं, पतंग को चलाया, गद्दा रखा और रखा, ये गद्दा पूरा चल दिया, उसने बाहर की तरफ ताकत से खींचा और गद्दा पड़ गया, वो कटा उधर सरिये के ऊपर, देखिए अब पतंग उठानी होगी दिनचो भाई को, पतंग जो गई है उठनी होगी, देखते हैं, पतंग गई, पतंग पे गद्दा तो सही मारा था, लेकिन वो देखिए पतंग कट गई है उनकी, लेकिन इनकी भी पतंग चली गई, इनका धागा दिख रहा है। चलिए पेज बराबर,
ये देखिए पतंग आ रही है, देखते हैं, उठी और उठाया, बिंजू भाई की पतंग है। अगर ये आ जाती है तो पेच मिल जाएगा, नहीं तो पेच बराबर हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, फिर गए अंदर, पतंग आएगी नहीं, लगता नहीं है पतंग आएगी। ये आई, फिर से आई, ताकत से खींच ले तो वो कट जाएगा वहां का झोल, मतलब पेड़ में फंसी होगी। तो देखते हैं, यहाँ से छुड़ा रहे हैं, मुन्नू भाई छुड़ा रहे हैं हमारे। कोशिश जारी है, खींचा और पतंग ढह गई, फिर आई, आ गई आ गई, बहुत बढ़िया। ले आए मुन्नू भाई, ले आए पतंग को, ये आ गई पतंग, गद्दा मारा था इससे दिनशु भाई ने। चलिए अब दिनशु जो है नीचे से पेज फेरते हुए, आइए, ओपोनेंट कह रहे हैं कि पेज चला गया, बराबर हो गया, पतंग देर में आई, पतंग देर में आए या कभी आए, ये ऑल इंडिया में होता है रूल, लेकिन ऐसे रूल नहीं है, पतंग लेके आनी है किसी हाल में, लेके आए लेफ्ट साइड ऊपर से, दिनशु अंदर बड़े हुए, पतंग को चलाया ताकत से, हवा अच्छी खासी आने लगी है, लेफ्ट साइड बढ़ करके रखा है गद्दा, ऊपर से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, दिनशु ने पतंग को चलाया, ऊंचा खींचा, उसने गद्दा रखा, इन्होंने पतंग को चलाया, ओह थपक्की मार रहे थे तब तक उनका गद्दा अंदर आ गया, बढ़िया गद्दा मारा है ओपोनेंट ने। पतंग देखिए कैसे जा रही है दिनशु की, हवा बदलती हुई जा रही है, ये देखिए लेफ्ट साइड देखिए नीचे से ओपोनेंट और ऊपर से पोका, राइट साइड ऊपर से पोका, इससे पहले एक पेच काटा था ऊंचा करते हुए ओपोनेंट, उसने बाहर निकाल लिया, उसने डोर फेंका था, कटा नहीं था। चलिए ठीक है, ठीक है, अंदर बढ़ता हुआ ओपोनेंट, ये हल्के हाथों से गद्दा रखा, वो और अंदर की तरफ बढ़ा, पोका ने गद्दा रखा और ये देखिए झोल कट गया। आए दोस्तों ये देखते हैं, लेफ्ट साइड पतंग नीचे से ऊपर से सचिन रखते हुए, राइट साइड वाली पतंग को चक्कर दिया, अंदर की तरफ लेके जा रहा है, उसने डोर फेंका है, उसने डोर फेंका, अंदर की तरफ झटक रहा है, डोरों पे रखा सचिन ने, झटके लगा रहा है, झटके लगाते हुए ऊंचा उठा लिया, लेफ्ट साइड ताकत से खींचता हुआ, झोल न कट जाए, देखो भैया, और ये झोल कट गया, मैंने कहा जैसे ही झोल न कट गया वही झोल कट गया, बढ़िया पेज लड़ाया है, समझदारी से देखते हैं किसने लड़ाया है, किसी ने लड़ाया होगा उधर से, ये हमारे भाई ने लड़ाया शायद, कटा 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 ये स्टिकर जो है बहुत प्यारे से हमें शुभम सुल्तानपुर ने बना के भेजे हैं, शुभम भाई हमारे सुल्तानपुर के, देखिए खूबसूरत स्टिकर, आप भी बनवा सकते हैं, कोई भी है शुभम से ज़रूर कांटेक्ट कर ले, नंबर उनका डाले दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया स्टिकर, हमारे लकी भाई तारीफ कर रहे हैं इस स्टिकर के, और उनको बनाने के लिए ऑर्डर भी मिल रहा है जल्दी जल्दी, नंबर लिखा हुआ है, शुभम को कांटेक्ट कर लीजिए, कहीं से भी हो आपको पार्सल पहुंच जाएगा इनका।
आइए अगला पेज हम नितिन भाई का देखने जा रहे हैं। धांसू जो है खिलाड़ी हैं ये भी। चलिए नीचे का पेज लेने जा रहे हैं नितिन भाई। बहुत बहुत तेज धूप है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, देखिए ऊपर नीचे ला रहे हैं नितिन भाई। पतंग को चक्कर दे रहे हो, गद्दा चल रहा है, इन्होंने ताकत से अंदर खींचा है, खींचते चले जा रहे। बढ़िया पेज काटा है नितिन भाई। मैं बता दूं नितिन भाई अंदर की तरफ ताकत से खींच रहे थे अगर उनकी पतंग नहीं दिखी तो, और वो गद्दा मार रहे थे। क्या करना था, ताकत से थपकना था नितिन भाई के रुख को काटने के लिए। आइए दोस्तों नितिन भाई का पेज देखते हैं अब नीचे से। पिछली बार कहाँ से देखा याद नहीं है। हाँ नीचे से ही लड़ा रहे थे, अंदर का रुख दिखाया था, ऊपर से गद्दा चल रहे थे। हाँ चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। पेज को समझ जाइए आप खुद प्रो हो जाएंगे। बाहर की तरफ खींचा है नितिन भाई ने, उसने गद्दा रखा, नितिन भाई ने पतंग को चेक कर लेके अंदर की तरफ खींचा है, वो अंदर के झटके लगा रहा था, लेकिन बढ़िया पेज आखिरी में झटक के, आखिर में दो झटके मारे, बढ़िया पेज काटा है नितिन भाई ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग अपोनेंट की नीचे है नितिन भाई, पांच पेज काट के बने हुए। लेफ्ट साइड वाली पतंग भारी भरकम लेके आए इस बार। अंदर बढ़ते हुए नितिन भाई, उसने पतंग को चेक कर दिया, नितिन भाई ने पतंग को ऊंचा किया, वो अंदर लेके आ रहा है लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से। नितिन भाई पांच पेज काट चुके हैं, इससे पहले छह काटे थे पिंटू भाई ने, पतंग उनकी टूट गई, उसने गद्दा रखा। नितिन भाई की पतंग गोल्डी भाई बता रहे कि अंदर ले जाएगा, उसने रखा, पट मारा ताकत से लेकिन डोर नहीं लगी, उसने फिर रखा। डोर में जगह नहीं देना चाहते हैं, नितिन भाई को खींचने नहीं देना चाह रहे हैं, घेरे पड़े हैं वो। नितिन भाई पतंग को बचा रहे हैं, करीब करके लड़ा रहे हैं अपोनेंट। लेफ्ट साइड वाली पतंग अपोनेंट की करीब करा रहा है, थोड़ा बाहर खींचा, उसने रखा। अब देखते हैं, अय हाय पतंग पास नहीं हुई, तेज तेज चक्कर देने के चक्कर में। देखिए दोनों सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, झोल टाइट नहीं हुआ, कोई कुछ गलती बता रहा है। कुल मिला के ओपोनेंट ने अच्छा फंसा के काट दिया, यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं दी, अच्छा पेच काट। आइए मुन्नू भाई का पेच देखते हैं अब। नीचे पेच ओपोनेंट का बना हुआ है, अब कोनी की हवा हमारी तरफ चल रही थी, चल रही है। ऊपर से मुन्नू भाई पतंग को रखते हुए लेफ्ट साइड नीचे, ये मुन्नू भाई ने तुरंत फेर दिया, हटाया। राइट साइड पतंग ऊपर से है, ये करीब करा रहे मुन्नू भाई, उसने बाहर निकाला, मुन्नू भाई ने ऊंचा कर लिया जल्दी से, पेच नहीं फंसे। फिर से गद्दा रखा, उसने ऊंचा किया मुन्नू भाई ने, अब चक्कर दे रहे हैं। पतंग भारी है उसकी, एक यही फ़ायदा हो सकता है, लेकिन भारी हो या हल्की हो, ये उस्ताद है भाई हमारा मुन्नू भाई, डेंजरस। बढ़िया पेच काटा है, पूरा लंगा के रख लिया था और कहीं ना कहीं कम हो गई, यही एक वजह रहा जो सामने वाला ओपोनेंट कम से कट गया। आए दोस्तों गोल्डी भाई का पेच देखते हैं, इनके पिटारे में आज क्या क्या आज देखा जाएगा। लेफ्ट साइड ओपोनेंट ऊपर से, नीचे गोल्डी, गोल्डी भाई हमारे, देखिए अंदर की तरफ बढ़ता हुआ ओपोनेंट। गोल्डी ने पतंग को ऊंचा किया, वो उसने रखा हल्के हाथों से। गोल्डी भाई की पतंग देखिए, उसने गद्दा रखा, ताकत से अंदर खींच रहे, ताकत से खींचते चले जा रहे, और गद्दा पड़ गया करारा। वो गद्दा मार रहे थे, ये ताकत से अंदर रुख दिखा रहे थे, लड़ाना यही था, गुब्बारा उड़ रहा था, बस उसी गुब्बारे पे गद्दा पड़ गया। आए दोस्तों पिछला गद्दा पड़ा है हमारे गोल्डी भाई की पतंग पे, फिर से मुन्नू भाई आए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से रहेगी, ऊपर जो चक्कर खा रही है हमारे मुन्नू भाई के, वो अंदर की तरफ बढ़ता आ रहा है, इन्होंने रखा, इन्होंने गद्दा रखा, वो और अंदर की तरफ बढ़ा। मुन्नू भाई ने पतंग को चक्कर दिया और रखा गद्दा, वो अंदर की तरफ और बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है ये गद्दा रखा, और ये क्या हुआ, पतंग टूट गई, पतंग टूट गई और पेज पे थे इसलिए पतंग काटी है ओपोनेंट ने। और ये देखिए आज किंग से लड़ाने आए हैं सारे ओपोनेंट्स, आप देख सकते हो उधर, देखिए अम्मा डे को खींचते हुए, लेकिन कट गए, कोई बात नहीं।
देख सकते हैं सामने किंग को तो आप जानते ही हैं। बढ़िया पतंगबाजी चल रही है, सब पानी वानी की व्यवस्था भी है। अच्छा मौसम है। किशन भाई, किशन भैया उधर छुपे हुए हैं। ये देखिए किशन भैया से ही गेम चल रहा है असल में। तो ये सारे खिलाड़ी बहुत ही दमदार लखनऊ के। ये देखिए खिंचाई चल रही है लंबी लगातार जो है, बढ़िया पेस देखने को मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मौसम बहुत अच्छा, हवा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों धिनशु भाई का पेस देखते हैं। फ्रेम में धिनशु, पिंटू, नितिन तीनों लोग थे। खतरनाक खिलाड़ी हैं तीनों। चलिए देखते हैं इस पेज को। एक पतंग हटा लो यार, क्या बोल रहे हैं वो। हाँ वो चिल्ला रहे हैं। तुम तो हटाओ पेज ना भाई, दो पर्दी वाली पतंग तो हटाओ पेज ना। भैया गालियों पे ध्यान ना देना, लखनऊ में ये सब आम है पतंगबाजी में। ठीक है चलिए पेस देखते हैं। ऊपर से फेरेंगे हमारे धिनशु, नीचे ओपोनेंट, लेफ्ट साइड पतंग नीचे। बहुत ज़्यादा अंदर की जगह घेरे हुए हैं धिनशु, पतंग को चला रहे हैं, जगह ले रहे हैं। अंदर की तरफ फेरा ओपोनेंट ने। ठीक है गद्दा रखा, अब ये दीवार ना जाए। बाहर का गद्दा चला, वही गद्दा चल देंगे। ताकत से गद्दा मारा है लेकिन उनकी पतंग लाम बनती हुई गिरी। बढ़िया पेच काटा ओपोनेंट ने नीचे से। आए दोस्तों पिंटू भाई का ये पेच देखते हैं। लेफ्ट साइड ऊपर से ओपोनेंट, नीचे जो है पिंटू भाई पहले ही पतंग से 6 पेच काटे थे और उसके बाद जो है मैक्सिमम स्कोर किया था हमारे नितिन भाई ने, 5 पेच काटे थे। चलिए देखते हैं लेफ्ट साइड। बाहर की तरफ निकालता ओपोनेंट, इन्होंने भी बाहर खींचा, अंदर की तरफ लेके आ रहे ओपोनेंट। अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ लेके जाना उसे कहते हैं अंदर। चलिए बाहर की तरफ रखते हुए गद्दा इन्होंने चक्कर दिया और अंदर किया, और अंदर किया, ताकत से खींचा है लेकिन गद्दा पड़ा करारा ओपोनेंट की तरफ से। इन भाई ने हमारे काटा है और नाम है इनका अम्मा डे। यहाँ पे सारे खिलाड़ी हैं ओपोनेंट्स, धूप से बचते बचाते जो है पतंग को लड़ा रहे हैं। आइए दोस्तों किशन भैया का पेज देखते हैं ऊपर की तरफ से। नीचे से अब्बास भाई बने हुए हैं, 2 पेज काट रखे थे जब मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, किशन भैया हल्का सा बाहर का गद्दा शो किया, उन्होंने करीब कराया और बाहर किया, उन्होंने ऊंचा करके पेज को फंसा लिया है। इन्होंने ऊंचा किया किशन भैया ने, उन्होंने भी लंगा के रखा है। अब देखते हैं पेज कौन काटता है। नीचे वाली पतंग है अब्बास भाई की, यानी कि लेफ्ट साइड वाली, वो काटा। बढ़िया पेज काटा है हमारे किशन भैया ने, फंसा के अब्बास भाई को। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं गोल्डी का। ऊपर से लड़ाते हुए किशन भैया ही पतंग को निकाला गोल्डी भाई ने। कुछ कह रहे हैं वो। अच्छा अच्छा चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। ऊपर से किशन भैया, नीचे से गोल्डी। चलिए रखते हुए ताकत से पट मारा उन्होंने क्रॉस, रोका पतंग, थोड़ा बाहर निकाला उन्होंने, करीब किया
अंदर ताकत से खींच के ये झोल काट दिया। जब तक ये कुछ कर पाते तब तक अंदर खींच दिया था गोल्डी ने। अच्छा, तो छोटू भाई जो है हमारे, ये इस टीम की अभी फिलहाल कप्तानी कर रहे हैं। चलिए पेश लड़ा रहे हैं हमारे भैया, आखिरी में रुक गए, लगातार पेश देखने को मिल रहे हैं, आप लोग को सीखने को मिल रहे हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं उन तक जरूर वीडियो को शेयर किया करिए, जो नए लोग सीखना चाहते हैं। सब भयंकर खिलाड़ी हैं लखनऊ के सारे लोग। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। गोल्डी नीचे से बढ़ते हुए, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से रहेगी, अंदर अंदर बढ़ते हुए गोल्डी, अंदर मतलब दूसरे की तरफ पढ़ना उसे कहते हैं अंदर। ओपोनेंट की पतंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ होती चली जा रही, अंदर ताकत से खींचते हुए गोल्डी। चलिए कोनी कराया, बढ़ करके रखा है, ऊपर वाले खिलाड़ी ने गद्दा रखा, उन्होंने बाहर की तरफ दिखाया है, अभी दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, उन्होंने अंदर रोका, गोल्डी ने अंदर की तरफ खींच के झोल काट दिया। जब तक यहाँ पे ताकत से जल्दी से थपक लेना चाहिए था, थपक ही लेते तभी मज़ा आता, लेकिन इतना जल्दी जल्दी सब होता है, समय नहीं मिल पाता। छोटू लड़ाने जा रहे हैं अब हमारे गोल्डी से, आइए देखते हैं इनका पिच। छोटू इस टीम की फिलहाल अभी कप्तानी कर रहे हैं, हालांकि अद्धी की टीम में ऐसा कोई टीम का मामला नहीं होता है, कोई भी लड़ा सकता है। लेफ्ट साइड ऊपर से छोटू, नीचे बढ़ते हुए गोल्डी, इससे पहले लाजवाब पेच काट दिया, ठीक है गद्दा रखते हुए, हल्की सी भारी पतंग है, थोड़ा सा बाहर निकाला गोल्डी ने, ऊँचा खींचा, रोका मुड्ढा, अंदर खींचा, वो खींच रहे हैं, ठीक है ठीक है। छोटू पतंग को हल्के हाथों से चलाते हुए, झोल बना हुआ है छोटू की पतंग में, टाइट किया, ऊँचा किया, अंदर चलते चले आ रहे हैं गोल्डी, चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, ये संगत से पतंग को ऊंचा करते चले जा रहे हैं, पतंग को हटाने के लिए भी कहा जा रहा है। चलिए पतंग रोकी गोल्डी ने यहीं पे, छोटू ने चक्कर दिया पतंग को, गद्दा रख रहे हैं छोटू, गोल्डी ने पतंग को बाहर दिखाया, फिर रोकी, उन्होंने गद्दा रखा, ताकत से अंदर खींच रहे लेकिन रोक ली पतंग। छोटू बहुत समझदारी से पतंग को लड़ा रहे हैं, ठीक है सही जगह है, इधर उधर पतंग को चला रहे हैं छोटू, ये गद्दा रखा, पट पे थपक रहे हैं ताकत से, वो गिराया, लाजवाब पेचों में एक और पेच आपने देखा, जल्दी से जगह लेके गिराना चाह रहे थे, लादना चाह रहे थे, लेकिन जगह बनी हुई थी इसलिए पट पे झटक दिया, अगर ये पहले ही लाद देते तो रगड़ के गोल्डी कट सकते थे, लेकिन गोल्डी को मालूम है यहाँ का एक चप्पा चप्पा जगह जगह, बढ़िया पेच काटा गोल्डी ने, उधर शायद 5 पेच काट दिए भी हैं, वो देखिए वो भी चला गया तार वाला भी। आइए दोस्तों अम्मा डे का अब हम पेज देखेंगे, ऑल इंडिया में बहुत ही अच्छे पेज लड़ाए थे अम्मा डे ने, लाल काली पट्टेदार है इनकी, थोड़ी सी हवा जो है कम ज़्यादा हो रही है, अभी हवा कम हो गई, चलिए देखते हैं। अम्मा डे बोल रहे हैं पेज फेरने के लिए, गोल्डी डोर छुड़वा रहे हैं, डोर छुड़वाना मतलब होता है जितनी मेरी पतंग पार है उतने ही बराबर करिए, इसको कहते हैं छोड़ना। लेफ्ट साइड ऊपर से अम्मा डे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों में एक, और गोल्डी भी उतने ही शानदार खिलाड़ी, गोल्डी को तो खैर बहुत लोग जानते हैं। लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे गोल्डी, हल्के हाथों से पतंग को बाहर ला रहे हैं, वो अंदर लेके आ रहे हैं, अम्मा डे बाहर ला रहे हैं, वो अंदर कोनी करा रहे हैं, जगह बना रहे हैं, इन्होंने गद्दा रखा, बाहर की तरफ खींचा, अंदर गद्दा गिराया, फिर पट पे झटक रहे हैं और देखना है क्या होता है, कट गए हैं अम्मा डे, कट गए हैं, पतंग पेड़ के नीचे चली गई तो दिखी नहीं, झटकते रहे अंदर की तरफ, और ये पेज भी काटा है गोल्डी ने। 6 पेज जहाँ तक जानकारी मिली है, 6 पेज काट चुके हैं गोल्डी, हालांकि मैंने 3-4 ही पेज दिखाए हैं आपको, ज़्यादा नहीं दिखाए, और ऊपर से एक बार फिर से लड़ाते हुए हमारे अम्मा डे, चलिए अच्छे खिलाड़ी हैं तो चांस वो ले रहे हैं। नीचे से ओपोनेंट बढ़ते हुए, मतलब हमारे अभी तो ओपोनेंट वही हैं गोल्डी, क्योंकि मैं इधर टीम में खड़ा हूँ, अंदर की तरफ
कोनी कराए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे ने बढ़ करके गद्दा रखा, ताकत से बाहर खींचा, रोकी पतंग ताकत से बहुत ज़्यादा जान लगा के अंदर खींचा है और तुरंत पतंग कटी जैसे ही अंदर खींचा था। गद्दा मारने चले थे, दो हाथ जरूर चले थे लेकिन तब तक कट गए, और क्योंकि पतंग बढ़ थी झोल बना हुआ था वो झोल सीधा ही नहीं हो पाया और वही झोल कट गया। आइए छोटू का पेस देखते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर, नीचे गोल्डी करीब करा रहे हैं, गोल्डी फिर से बाहर निकाले, इन्होंने गद्दा चल दिया, पहल से गद्दा चला, रोकी पतंग अंदर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं और ये गद्दा पड़ गया। पहल से गद्दा मारना था और इस बार छोटू ने गोल्डी पे गद्दा मारा है, कोई देर नहीं की, कोई रोका नहीं, एक बार चले क्योंकि गोल्डी ने दिखा दिया था कि हम फिर से वही पेस लड़ाएंगे, तो यही कहीं ना कहीं अच्छा ही रही। तो छोटू ने ये कहीं ना कहीं जो नौ होने से बचाया है इस बार। आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं, पेज अभी फेरा जा रहा है, नहीं फेरा नहीं जा रहा था आए दोस्तों इस पेज को फेरा जा रहा है। छोटू ने अब तक चार पेज काट दिए हैं, पेज सही से दिखे नहीं, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। लेफ्ट साइड अब नीचे से अब थोड़ा सा धूप का प्रकोप कम हुआ है, शाम होती चले, अंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं दिनचू, देखते हैं चक्कर दे रहे हैं, पतंग को चला रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, और अंदर आ रहे हैं, गद्दा रखा और उसने सिर्फ डोरों पे रख लिया था। अच्छा पेच काटा है दिनचू भाई ने, नहीं डोरों पे रखा कि क्या किया मैं देख ही नहीं पाया। आइए दिनचू लड़ा रहे हैं नीचे से, कम करके लड़ा रहे हैं, ओपोनेंट ऊपर यहाँ पे हैं, अंदर अंदर फेरते हुए दिनचू, ओपोनेंट की पतंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ है, ये देखिए, देखते हैं क्या लड़ाते हैं। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊंची करके अब लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे गद्दा रख रहे हैं हल्के हाथों से, वो अंदर की तरफ बढ़े हुए हैं। चलिए पतंग चलाया दिनचू ने, पतंग को चलाया, ताकत से खींचा, उन्होंने अंदर की तरफ दिखाया, पतंग घूम के उनके अंदर आ रही है, अंदर आने की वजह से इनका जो गद्दा अंदर जा रहा था वो कट गया। आए दोस्तों दिनचू का एक और पेज देखते हैं, दिनचू भाई नीचे से, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर, चार खन्ने की पतंग लेफ्ट साइड ऊपर, चलिए अंदर अंदर जगह बनाया, पतंग को चलाया ताकत से, उन्होंने जो गद्दा चला इन्होंने भी ताकत, अब ताकत दिखाना है, और बढ़िया पेज काटा है दिनचू ने, सीधा सीधा खींच लिया खड़ा मुड्डा बाहर, वो पतंग जा रही है, वो देखिए लिपटाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं लिपटा ही नहीं पा रहे। चलिए दोस्तों एक बार फिर से जगह बनाते हुए नीचे से दिनचू राइट साइड वाली पतंग देखिए, काफ़ी ज़्यादा अंदर आते हुए और अंदर कोनी करते चले जा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, बढ़ करके भारी भरकम पतंग है उनकी भी, पतंग को चलाया, पतंग देखिए कितनी तेज तेज चलाते हैं दिनचू, तेज तेज, ये देखिए चलाया अंदर की तरफ, थपक रहे उसने गद्दा रखा, पतंग को चलाया अंदर की, थपकी मारी है उन्होंने चक्कर पर रखा है, डोर नहीं लग रही है, डोर लगी नहीं रही, और तब भी काटा है दिनचू ने, थपकी लगा रहे थे चक्कर दे रहे थे और आखिर में उनकी पतंग कट गई। ये पेज काटा पता ही नहीं चला, ऊपर से बस कम से रख रहे थे और अंदर खींच दिया, पांच की आवाज़ दे रहे हैं। आइए दोस्तों ये पेज देखेंगे अब हम दिनचू भाई का, मेरे ख्याल से पांच पेज काट चुके हैं, रोकने के लिए आए हैं अम्मडे नीतीश सॉरी, लेफ्ट साइड ऊपर से अंदर जगह बना रहे हैं, नहीं पतंग, एक पतंग हटाए सॉरी ये पतंग है हमारे दिनचू की, अंदर की जगह बन रहा है, नीतीश लड़ाने आए हैं, दिनचू की पतंग नीचे ऊपर से रखा करीब करा, लेफ्ट साइड ऊपर करीब करा रहे, अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, दिनचू पतंग को चला रहे, कोनी कराए हुए हैं,
गद्दा रखा, पतंग को चला रहे हैं, गद्दा रखा, ताकत लगाई और काटा है दिनशु ने एक बार फिर से। छह पेच हो गए मेरे ख्याल से दिनशु के। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से अम्मा डेगी, ध्यान से समझेंगे, अंदर की तरफ उतार रहे हैं नितिन ने ताक, माफ कीजिए नितिन कह रहे हैं, दिनशु भाई ने ताकत से खींचा, थोड़ी पतंग अंदर की है तो जिससे कि जब वो बाहर खींचते हैं तो खड़ी होती हुई अंदर आती है, इस पर भी ध्यान रखना होगा। सात पेच काट चुके हैं मेरे ख्याल से, पट्टेदार बढ़िया खूबसूरत पतंग पार कर रहे हैं हमारे अम्मा डे, इस तरफ तैयारी में है। सात पेज काट चुके हैं दिनशु, ये देखिए यहाँ है दिनशु, इस तरफ पेज लड़ रहे हैं आज, बढ़िया हवा है, बिल्कुल सीधी हवा है आज पुरवाई की, बढ़िया पेज देखने को मिल रहा है। ये है दिनशु की पतंग, ये वाली, ये वाली। दोस्तों दुनिया में मेहमानों की कमी नहीं है, समझदारी इसमें है कि हम सतर्क रहें, क्योंकि वो तो मेहमानी करने के लिए रेडी है बंदा। ऐसी चीज़ें मैं बोलता रहूँगा ताकि कुछ चीज़ें समझ में आए आपको। चलिए नीचे दिनशु जगह बना रहे, ऊपर से लड़ाएंगे छोटू इस बार पेच, रोकने की कोशिश करेंगे छोटू। चलिए देखते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर, अभी नहीं अभी नहीं, ये तो उधर की ही पतंग है, ये रही थी छोटू की पतंग ऊपर, ये वाली। नीचे हैं दिनशु, अंदर जगह बना रहे, पेच रेंज, पेच की जो रेंज है वो है 300 मीटर के करीब दिनशु की पतंग है, या कम ही होगी कहिए, कम पे लड़ा रहे हैं लेकिन बहुत ताकत से खींचते हैं, जल्दी से जगह लेने लगे हैं, अभी वो तैयार नहीं थे। हटा, चलिए वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, छोटू कह रहे हैं। चलिए लड़ाइए, बोल दिया है दिनशु भाई की पतंग, देखिए नीचे राइट साइड, ऊपर से छोटू रखते हो, अंदर की तरफ जगह बनाते चले जा रहे हैं, बाहर का गद्दा शो किया छोटू ने, गद्दा शो किया, ताकत से खींचा है, अंदर घूम के आई पतंग और उनका गद्दा लैंड हो गया उधर कहीं, उनकी पतंग में दिखा नहीं पाया, ताकत से छोटू ने गद्दा मारा पूरा, इन्होंने बाहर खींचा, पतंग अंदर आई, क्योंकि अंदर बाहर सब लड़ रही है तो दिनशु को यहाँ हो रहा है फ़ायदा। आइए दोस्तों, छोटू पेच लेने जा रहे हैं नवा, दिनशु के अगेंस्ट में, इससे पहले गोल्डी के अगेंस्ट में बचाया था दिनशु खंबे के पीछे। आइए पेच देखते हैं, समझते हैं, ये जो पतंग आपको दिख रही है दिनशु की, और ये देखिए समोसे नुमा पतंग है छोटू की, भारी पतंग, यानी देखते हैं कैसे पेच लड़ाते हैं और कैसे नवा बचाते हैं और दिनशु कैसे काटते हैं। चलिए थोड़ी पतंग जो है मुझे लग रहा है अंदर की है, हालांकि अंदर बाहर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर तरह की पतंग लड़ रही है, अंदर किसकी है मतलब छोटू की, और अंदर तो हाई है दिनशु की भी, डोर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए पेज फेर दिया गया है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, छोटू ऊपर करते हुए, नीचे नीचे दिनशु भाई बढ़ते हुए, चलिए पेज की रेंज 250 मीटर करीब करा रहे हैं, लेफ्ट साइड ऊपर, दिनशु नीचे अंदर की तरफ जगह बना रहे हैं, ताकत से, उतनी ताकत से चेहरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटू पतंग को बाहर निकाला, अब अंदर की तरफ लेके उतारा छोटू ने, हटाया दिनशु पतंग को,
तेज तेज चला रहे हैं अंदर की तरफ, जगह बनाए हुए हैं। ये रखा, थोड़ा बार किया, ये ख़तरा हो सकता है धींचू के लिए। बहुत करीब करा लिया छोटू ने, ये लादा अंदर की तरफ खींच के झोल काटना चाह रहे थे। नहीं, हटा रहे छोटू और बाहर की तरफ निकाल रहे हैं चेहरे की तरफ जल्दी से। धींचू ने जैसे ही जगह मिली पतंग को हटाया। आए दोस्तों, ये पेज समझ लेते हैं। छोटू अंदर बढ़ते हुए, रखते हुए नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर छोटू, नीचे धींचू। आठ पेज काट चुके हैं और करीब करा रहे छोटू, अंदर लेके आ रहे हैं। लेफ्ट साइड ऊपर छोटू, करीब करा रहे पतंग को, वो चला रहे धींचू। राइट साइड नीचे, ये रखा, ताकत से अंदर खींच रहे, रोका पतंग। इधर उधर छोटू पतंग को बढ़िया चला रहे, यही बढ़िया बात है। ठीक है, करीब करा रहे, अंदर खींचा, फिर नहीं, जल्दी से लादा, फिर हटाया। छोटू ने बहुत बढ़िया मजबूत पेच कर लिया अपना, करीब करा के फिर हटाया, एकदम करीब करा के हटा रहे थे छोटू। टाइम मिला है, लाद देते तो मज़ा आ जाता। हालांकि अंदर खींच, ये रखा, फिर हटाया अंदर की, ये लादा, अब बढ़िया है। देखते हैं, हालांकि हल्के बलों पे रखा है छोटू ने भी, अंदर के बल रखे हैं। पेच है कि नहीं? पेच ही नहीं है। चलिए, दोनों बहुत टेंगे। और ये देखिए, सूरज की रोशनी बहुत तेज आ गई एकदम से। धींचू बैठ के कुछ सोच रहे हैं, पीछे से आवाजें आ रही हैं कि भाई सामने वाले की तरह पेश ना लड़ाओ, अपने पेश लड़ाओ, जैसे लड़ा रहे थे। चलिए, मिट्टी रगड़ेंगे फिर से। आइए फिर से कोशिश, तीसरी कोशिश। लेफ्ट साइड ऊपर छोटू, लेफ्ट साइड ऊपर छोटू, अंदर लेके आ रहे पतंग बिल्कुल समोसा शेप में। राइट साइड नीचे धींचू, पतंग करीब करा रहे, करीब करा रहे, वो पतंग को चक्कर दे रहे, फिर हटा ली, फिर अंदर लेके आ रहे छोटू, रख रहे। धींचू ने पतंग को चलाया, पतंग को चलाया और करीब कराया छोटू ने, करीब कराया, फिर हटाया अंदर की तरफ, लाद रहे, ये गद्दा रखा, फिर हटाया। अरे भाई, बिल्कुल गहराई में ले जाके छोटू हटा ले रहे हैं पतंग, हवा नहीं लग रही, पतंग दोनों हटा लेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। एकदम तेज चटक धूप है बिल्कुल, पत्ते देखे कैसे चमक रहे हैं। आइए दोस्तों, लेफ्ट साइड ऊपर से छोटू एक बार फिर से, चौथी कोशिश। लेफ्ट साइड ऊपर से छोटू, नीचे धींचू, आठ काट के बने हुए हैं, नवा पेच लड़ रहा है, अंदर की जगह बना रहा है। आज गोल्डी ने लेकिन कमाल कमाल के पेच काट दिए, दो तीन काटे लेकिन बढ़िया, अंदर जगह बना जा रहे हैं। ऊपर से चेहरा घेर रहे हैं कहीं ना कहीं छोटू, और रखते हुए पेच की रेंज 250 मीटर। अंदर अंदर पतंग को चला रहे हैं, बहुत छोटी पतंग लग रही है छोटू के पतंग के आगे, धींचू की पतंग हटा रहे हैं। छोटू अंदर बढ़ रहे हैं, जगह ले रहे हैं, और अंदर बढ़ रहे हैं, वो भी अंदर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊंचा करते चले जा रहे हैं, गद्दा रखा, हटाया। छोटू को देखिए कैसे लड़ा रहे हैं, रखा हटाया, अब अंदर उतरने की जगह पूरी दे रहे हैं, पूरी अंदर उतरने की जगह दे रहे हैं, लेकिन छोटू ने पतंग को हटा लिया, फिर से हटा लिया है पेच दोनों ने। नीचे देखिए कितने सारे तार वाले हैं, ये सब तार वाले हैं, वो आगे तक जहाँ पे दो टावर दिख रहे हैं वहाँ पे सब तार वाले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पतंगे आए। चलिए, अगला पेज फिर से हो रहा है। पतंग बढ़ा ली गई हैं दोनों, ऊपर करते हुए छोटू, धींचू की पतंग अभी लेफ्ट साइड में है। चलिए, पेज फेरे जा रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। छोटू लेफ्ट साइड ऊपर से, ये गद्दा रखा, धींचू ने पतंग नीचे कर ली और रखा, फिर हटाई। ठीक है, अंदर जगह बना रहे, ताकत से जगह बनाते चले जा रहे हैं, वो टहला रहे हैं सिर्फ, रखा फिर हटाया, पट कर लिया वहाँ पे धींचू ने। अभी अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं और अंदर उतरे, बिल्कुल करीब से लड़ाना चाहते हैं छोटू, क्योंकि जानते भारी पतंग है,
भारी पतंग का भी खेल बहुत खतरनाक होता है। बस सही जगह है, हटाया, अंदर लेके उतर सकते हैं छोटू, बस उतर गए और ये काटा। अंदर झटके लगा रहे थे लेकिन पतंग इतनी भारी थी और बढ़िया पेच काट के ये नहला भी रोका है छोटू ने। बहुत ही अच्छा पेच लड़ाया है वाइट टी शर्ट में छोटू। मेरी अपना पिए थे जबरदस्ती, अबे अपने ही तो नहीं दे दिया यार। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पतंग पतंग लेफ्ट साइड नीचे, ऊपर से चक्कर दे रहे हैं हमारे लकी भाई। ये रखा उसने, हटाया छोटू ने, करीब से नहीं लड़ाई, ये बहुत भारी पतंग है उसकी। ये रखा छोटू ने, पट मारने के चक्कर में कटवा लिया। बहुत बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे लकी भाई ने, तुरंत गद्दा मार दिया। आइए लकी भाई का अगला पेच चाय पीने के बाद होगा, बढ़िया नीचे का पेच लेंगे लकी भाई हमारे। चलिए दोनों पतंगे तोखा हैं। लकी भाई की पतंग देखिए राइट साइड नीचे है। चलिए ऊंचा करते हुए लकी भाई, राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड जो तोक है वो ऊपर, अंदर की जगह बनाया। अपोनेंट ने गद्दा रखा, ये चक्कर दे रहे, गद्दा रखा, ताकत से ऊंचा खींच लिया, गलत गलत गलत, ऊंचा नहीं खींचना चाहिए था, ताकत से पट अंदर मारना चाहिए था, अंदर का क्रॉस, क्रॉस नहीं मतलब अंदर का पट या फिर चपटा वार खींचना चाहिए था। आइए रेड कलर की पतंग लेके आए हमारे पिंटू भाई। पतंग चक्कर खा रही है, अभी पेच फेरे नहीं गए हैं, थोड़े से रेंज में ला रहे हैं, 300 मीटर की करीब पेच हो रहे हैं। आज हवा सीधी है तो हवा तेज़ नहीं है, शुरू में बढ़िया हवा थी, बदरी लगी हुई है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पेच को सीखिए और छत पे लड़ाने की प्रैक्टिस करिए और ज़रूर पतंग एक डेढ़ घंटा लड़ाए, आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा। एक एक पतंग हटाओ यार। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे, ऊपर से पिंटू भाई रखते हुए हल्के हाथों से थोड़ा अंदर गया, उन्होंने ऊंचा खींचा, इन्होंने करीब कराया, करीब कराया, करीब कराया, यही गद्दा चल देंगे, थपक रहे हैं, बहुत बढ़िया। जैसे ही देखा डोर लगने वाली है, बस वहीं ताकत से थपकने लगे और अच्छा पेच काटा थपक के। और ये देखिए कैसे चिलगोजरों जैसे इस पतंग का इंतज़ार करने लगे। लिपटाया है किसी ने तो, लिपटा रहा है, किसने लिपटाया इनमें से? पतंग उड़ाने की जल्दी है, हमारी पतंग नीचे गई तुम। आए दोस्तों ये पेज नीचे से अब ले रहे हैं हमारे पिंटू भाई, ऊपर से रखते हुए अपोनेंट अंदर की तरफ खींच रहे हैं, उसने पतंग हटाई। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर नीचे बढ़ते हुए, पिंटू भाई ऊंचा करते हुए, उसने गद्दा रखा, रोका, दोनों ने रोका, इन्होंने थोड़ा सा नीचे किया, वो अंदर लेके आए, ये अंदर लेके गए, अब उसने गद्दा रखा, फिर हटाया, ताकत से खींच रहे हैं, वो झोल काटा, काम ख़त्म। आइए दोस्तों अब ये पतंग देखिए, दोनों रेड कलर की है। अच्छा हम, अच्छा और हम वहाँ से हो के आ गए है ना, चलिए आइए। लेफ्ट साइड गद्दा चला, इसने अंदर की तरफ खींचा है हमारे पिंटू भाई ने। आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से नीचे से हमारे पिंटू भाई। चलिए पतंग ख़राब है बाहर की, लेकिन सब तरह की पतंग लड़ती है तो सब जायज़ है। लेफ्ट साइड ऊपर पिंटू भाई ने थोड़ा खाली कराया, राइट साइड नीचे थोड़ा बाहर किया, थोड़ा बाहर किया, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। इससे पहले बहुत बढ़िया पेच काट दिया था, अंदर खींच दिया था, ठीक है हटाया। वो पतंग को चला रहे हैं, हवा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया तोखा पट्टीदार ऊंची कर लो भाई, कट जाएगी। चलिए रखते हुए लेफ्ट साइड ऊपर, ये थोड़ा सा खाली कर रहा है, वो गद्दा अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। ओ आखिरी में पूरा गद्दा चल दिया, बढ़िया पेच काटा है,
आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, गोल्डी ऊपर से लड़ाएंगे। लेफ्ट नीचे ओपोनेंट और गोल्डी ऊपर, बढ़ रख के लड़ा रहे हैं गोल्डी, अंदर की तरफ बढ़ते हुए गोल्डी। चलिए हल्के हाथों से रखते हुए उसने ऊंचा खींचा है, गोल्डी ने बाहर कर दिखाया, रोकी पतंग अंदर की तरफ खींच रहे थे, उसने डोरों पे रख के बहुत ही शानदार पेच काट दिया। आखिरी में डोर छोड़ दिया, अंदर रगड़ के कट गए गोल्डी। आइए दोस्तों एक बार फिर से नीचे से ओपोनेंट फेरता हुआ, बिल्कुल बीचों बीच पतंग देखिए, दो पतंग और ऊपर से हमारे अब्बास भाई आए लड़ाने। चलिए देखते हैं, इससे पहले आपने देखा जैसे ही गोल्डी ने अंदर मोड़ा उन्होंने रोक ली पतंग और अंदर खींच के रगड़ के कट गए, यही सब टेक्निकल चीज़ें होती है। चलिए ऊपर से रखते हुए अब्बास भाई राइट साइड बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, बिल्कुल वो अंदर की तरफ आ रही है, बाहर निकालते चले जा रहे, पूरी लगा ली उसने, खींचा और फिर से डोर पर रखा था, लेकिन इन्होंने भी चालाकी दिखाई और अंदर के बल पर रख लिया, रोक लिया इस बार भी अपोनेंट ने, सोचा कि पूरा गद्दा अंदर चल देंगे। अरे दोस्तों इस पेज को समझते हैं, अब्बास भाई की पतंग राइट साइड नीचे से थोड़ा करीब कराया, लेफ्ट साइड ऊपर से अपोनेंट ऊंचा खींच रहे हैं, अब्बास भाई रोका, उन्होंने संगत से ऊपर खींच लिया लेफ्ट साइड वाली पतंग ने जो कि ऊपर से है, और ये पतंग चिटक गई क्योंकि पिछला पेज आपने देखा चिटक मतलब टूट गई, यहीं से टूट गई, नहीं नहीं यहीं से टूट गई है, और इसने लिपटा ली बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, पिछला पेज आप लड़ा रहे थे हमारे अब्बास भाई, पतंग टूट गई उनकी। चलिए नीचे से पेज बना हुआ, हालांकि पेज पे थे तो पेज काटा माना जाएगा, नीचे से ओपोनेंट ऊपर से फेरते हुए नितिन भाई इस बार हमारे। चलिए गद्दा रखा नितिन भाई ने, उसने बाहर खींच के दिखाया, इन्होंने गद्दा मारा, वो देखिए जैसे ही गद्दा चले अंदर को रुख दिखा रहे थे वैसे ही नहीं आगे है। नवाब का एक क्लब देखिए वहां से लड़ रहा है, जिसमें हमारे रॉकी भाई, फैजान भाई, फहाद, तारिक ये सारे लोग हैं, वो देखिए चलिए ये पेज फेरे जा रहे हैं, नितिन भाई अब नीचे से पेज लेंगे, पिछला गद्दा मारा था वो अंदर की तरफ रुख दिखाते ही कट गए, नीचे नीचे अंदर बढ़ रहे हैं नितिन भाई, राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर से अपोनेंट गद्दा रखता चला जा रहा, ताकत से खींचा है उसने भी पलट के, संगत से खींचने की कोशिश की थी लेकिन बढ़िया पेज काटा है, जब तक खींचते दो हाथ उन्होंने खींचा तब तक इन ये पहुँच गए थे, अच्छा पेज काटा नितिन भाई ने। आइए दोस्तों तीसरा पेज देखते हैं मेरे ख्याल से नितिन भाई का, नीचे नीचे बढ़े हुए हैं, पेज की रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 350 मीटर से ज़्यादा लड़ रहा है, नीचे नीचे नितिन भाई राइट साइड पतंग लिए हुए हैं, ऊपर से ओपोनेंट है, इससे पहले भी बढ़िया पेज बनाने की कोशिश की थी ओपोनेंट ने, डबल पे खींचने की कोशिश की थी मतलब संगत से ऊपर, लेकिन पहल करना चाहिए था ये करने के लिए, पहल से खींचा था नितिन भाई ने, राइट साइड नीचे से बने हुए हैं, अंदर की जगह बना रहे, उसने भी बढ़ करके गद्दा शो किया, इन्होंने करीब कराया, उसने गद्दा चला, रोकी पतंग ऊपर खींच रहे हैं, गद्दा पड़ जाएगा और ये देखिए आखिरी में रोक लिया, ये कहीं ना कहीं मुड्ढा जो है सीधा खींचा था, ये गड़बड़ वाला था, ये पेच अगर बनाता और कोनी करा के चपटा बाहर खींच सकते थे इसको, मतलब बिल्कुल बाहर का मुड्ढा, खड़ा मुड्ढा जितने भी खींचेंगे गद्दा पड़ता है। आए दोस्तों इससे पहले सचिन कटे पेच नहीं दिखा पाया था, एक कॉल आ गई थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऊपर से अब्बास भाई राइट साइड बने हुए हैं, अंदर की तरफ लेके जा रहे ताकत से, उसने बाहर खींचा, इन्होंने गद्दा रखा, उसने ताकत से चपटा बाहर खींचा, इन्होंने गद्दा मारा है, ताकत लगानी होगी, लगाया है ताकत नीचे के खिलाड़ी ने, बहुत तेज खींचा है, किसने खींचा, शायद इन्होंने खींचा है, हाँ बिल्कुल। चलिए गोल्डी पेच लेने जाएंगे, इससे पहले 7-8 पेच काटे थे इन्होंने, छोटू ने रोके दोनों नहले एक तरह से, अब देखते हैं गोल्डी भाई हमारे किस तरह के पेच दिखाते हैं सिखाते हैं, इससे पहले जो पेच काटे थे सब लाजवाब पेच काटे थे गोल्डी भाई की पता, यहाँ ये देखिए राइट साइड वाली, अरे राइट साइड भी 2-3 पतंग हैं जो बढ़ती हुई जा रही है, जिस पे थपकी लग रही है ठाक ठाक ठाक,
खींचा ऊंचा, पतंग हल्की अंदर की है लेकिन अंदर बाहर गोल फोल सब लड़ रही है। ऐसा एक्चुअली तय होता है कि भैया हर तरह की पतंग लड़ेगी कि सिर्फ अंदर की पतंग लड़ेगी। अंदर की तो खैर लड़ती नहीं है, कहने का मतलब है या सीधी पतंग लड़ेगी। चलिए, पतंग की रेंज काफ़ी हो गई है, 350 मीटर से ज़्यादा पिच, हवा थोड़ी सी अच्छी आ गई है शाम वाली। चलिए देखते हैं पेज अब फेरे जाएंगे। चलिए ऊपर का पेज लेने आए गोल्डी भाई। लेफ्ट साइड नीचे से ओपोनेंट, पेज की रेंज 350 मीटर से ज़्यादा चलिए रखते हुए गोल्डी भाई ने रखा। चलिए ठीक है, लेफ्ट साइड उसने खींचा अंदर को दिखाया रोकी पतंग। ठीक है, टंगे हुए हैं गोल्डी भाई हमारे, टंगे हुए हैं नीचे, ऊपर ओपोनेंट क्या करेंगे, झटके लगाने की कोशिश, झटके लगाते हुए उठ रहे हैं और ये कटे, बढ़िया पेच काटा है ओपोनेंट ने, अच्छा पेच काटा है। आप पता आइए दोस्तों, इस पेज को समझते हैं, नहीं है अभी तो फेरे नहीं गए। फेरने का मतलब अपनी अपनी जगह में आना। पतंग जो है लेफ्ट साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके, पिंटू भाई पतंग को बढ़ करते चले जा रहे हैं। चलिए ओपोनेंट नीचे से रहेंगे, अंदर की तरफ जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिंटू भाई पतंग को चक्कर देके बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ से लड़ाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ अब जगह ले लिया है ओपोनेंट ने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर दुकान को मत देखिए, नहीं तो सिर्फ गधे बनोगे। लेफ्ट साइड नीचे, ऊपर से गद्दा रखते हुए ताकत से गद्दा मारते चले जा रहे हैं। यही गद्दा चल देंगे, उसने ताकत से चपटा खींचा है, बढ़िया पेच काटा है ओपोनेंट ने। सारे खिलाड़ी जो हैं बढ़िया हवा का मजा ले रहे हैं, अभी हवा आई है बहुत प्यारी। वो देखिए दोस्तों वहां से नवाब लड़ रहा है, नवाब के सारे खिलाड़ी वहां मौजूद हैं। मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया है, अच्छी हवा भी है, सूरज जो है बादलों के बीच छुपे हुए हैं। आज लखनऊ में हर छत से पतंग लड़ रही होगी। आए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, पेज की रेंज करीबन 400 मीटर होती हुई। लेफ्ट साइड नीचे से ओपोनेंट, ऊपर हमारे अब्बास भाई बने हुए हैं, हल्के हाथों से करीब करा रहे हैं अब्बास भाई। बहुत ही अच्छी हवा लग रही है पतंगों में। चलिए बाहर का गद्दा शो किया, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, इन्होंने बाहर का गद्दा जारी रखा है, अभी भी उसने ताकत से रोका पतंग, ये संगत से ऊपर उठा रहे थे। चलिए बहुत ही अच्छा दोनों ने किया। आए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश जारी है, जगह ले रहे नीचे से, 400 मीटर के ज़्यादा रेंज है। हवा जैसे ही आई मज़ा आ जाता है खिलाड़ियों को, कटने काटने की अलग बात है लेकिन पतंग लड़ती रहनी चाहिए। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से ऊपर से, अब्बास भाई पतंग को चक्कर देकर बाहर का गद्दा रख रहे हैं, ताकत से गद्दा लगाएंगे, वो काटा, गजब का पेच हुआ, पूरा फुल ताकत वाला पेच हुआ, ना इधर ना उधर। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, नीचे का पेज अब फेरेंगे हमारे अब्बास भाई। पिछला आपने देखा गद्दा भरपूर गद्दा मारा था, उसने भी भरपूर खींचा था, खड़ा बाहर, ताकत का गेम। चलिए अब्बास भाई नीचे से रहेंगे, लेफ्ट साइड ऊपर से रहेंगे ओपोनेंट। चलिए पेज फेर दिया है अब्बास भाई ने, और अंदर जाते हुए वो करीब, वो देखिए वहीं पे गद्दा रख दिया अब्बास भाई ने, जगह लिया, ताकत से खींचा है, वो उसने चक्कर ऊपर रख लिया, बहुत ही समझदारी वाला पेज काटा।
पतंग उनकी मकड़ थी, यानी घूमती हुई, यानी भारी पतंग थी। जैसे ही देखा ऊंचा खींच है, उसने चक्करों पे रख लिया, और भारी चक्कर थे, हल्के चक्कर नहीं, इसीलिए बढ़िया पेच काटा ओपोनेंट ने। आए दोस्तों मुन्नू द शहनशाह लड़ाएंगे हमारे पेच। ऊपर का पेच लड़ाने आएंगे मुन्नू भाई हमारे, और ओपोनेंट नीचे से रहेगा। चलिए मुन्नू भाई एक पतंग ऊपर है, हमें नीली किसकी है यार ये? चलिए मुन्नू भाई पतंग को फेरेंगे ऊपर की तरफ से। अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं मुन्नू भाई हमारे। आए दोस्तों मुन्नू भाई का पेच देखते हैं। लेफ्ट साइड पतंग नीचे से रहेगी ओपोनेंट की, लेफ्ट यानी उल्टे हाथ, ऊपर से फेरते हुए मुन्नू भाई हमारे। वो ऊंचा करता हुआ इन्होंने बाहर की तरफ खींचा, यही गद्दा चल रहे हैं, और ये देखिए गद्दा जब मारा बाहर का तभी कट गए थे, आखिरी में दो तीन झटके लगा दिए। चलिए बढ़िया पेच काटा है मुन्नू भाई ने हमारे। आए दोस्तों एक और पेच देखते हैं मुन्नू भाई का। अभी पेच फेरे नहीं गए हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग मुन्नू भाई की चक्कर दे रहे, वो ऊपर या नीचे देखते हैं कहाँ से लड़ाते हैं, उनके हक में पेच है, यानी वो चाहे जहाँ से लड़ा सकते हैं, काटने वाला चाहे जहाँ से लड़ा सकता है, ऊपर से या नीचे से। चलिए नीचे का पेच लेंगे, और क्या वो पतंग टूट गई है, हटा लीजिए हटा लीजिए। पेच हो गया है भले, लेकिन सामने वाले की पतंग टूट गई है। इससे पहले जो पेच हो रहा था उसमें ओपोनेंट टूट गए थे, उनकी पतंग टूट गई थी। चलिए नीचे नीचे बढ़ते हो हमारे मुन्नू भाई, लेफ्ट साइड ऊपर हो ओपोनेंट, नीचे रखता हुआ वो अंदर की जगह बना रहे हैं, यही अंदर खींच रहे हैं, यही खींचते चले जा रहे हैं, और क्या बात है, आखिरी में डोर फेंका है तो पेच अभी कटा नहीं है। पेच अभी हुआ ही नहीं था, दोनों ने डोर फेंक दी थी, और मुन्नू भाई पीछे हाथ भी मिलाए, वाह भाई। चलिए फिर से देखते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से करीब करा रहे दोनों, मुन्नू भाई ने चक्कर दिया। चलिए देखते हैं, लेफ्ट साइड दोनों ने डोर फेंक दी थी। चलिए अंदर की तरफ बड़ा ओपोनेंट, गद्दा रखा उसने, मुन्नू भाई ने थोड़ा खाली कराया, ठीक है ये चलिए थोड़ा सा बाहर निकाल के डोरों पे रखा, पतंग पास होनी चाहिए, बढ़िया पेच काटा है, और आखिर में ये पेच काटा हमारे मुन्नू भाई ने, गजब पेच काटा है। आए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, लेफ्ट साइड ओपोनेंट रहेंगे, नीचे हमारे मुन्नू भाई बने हुए हैं। पिछला पेज बहुत ही अच्छा लंगा के काटा,
लेफ्ट साइड काफ़ी ज़्यादा अंदर जगह बना ली है मुन्नू भाई ने, राइट साइड ऊपर से नीचे से वो देखिए डोर छोड़ दी पूरी, डोर फेंकी फिर लंगाया बाहर की तरफ उसने ताकत से अंदर की ओर। भाई अब इससे अच्छा क्या पेच हो सकता है, जैसे ही इन्होंने पूरा लगाया था उसने रोक के ताकत से अंदर खींची, जैसे अंदर खींची मुन्नू भाई ने ताकत से थपकी मारी, आज के दिन का सबसे ज़बरदस्त सुपर हिट पेच मुन्नू भाई की दबंगई जारी है। चलिए देखते हैं, इसीलिए एज मायने नहीं रखता, आपका जो लड़ाने का तरीका है, लड़न जिसे कहते हैं, वो बहुत मायने रखता है। पेच की रेंज भी बढ़िया है, 400 मीटर के करीब पेच चल रहे हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। लेफ्ट साइड अंदर की तरफ उतरता हुआ मुन्नू भाई, राइट साइड क्या पेच काटा था इससे पहले, ओपोनेंट ने भी बढ़िया चाल चला था कि अंदर खींच के झोल काट देंगे, लेकिन उन्होंने थपक लिया लेफ्ट साइड ऊपर से, ओपोनेंट थपका तो झोल बिल्कुल सीधा हो गया और टाइट हो गया, इसीलिए वो कट गए, नहीं तो वो काट देते पक्का। लेफ्ट साइड ऊपर से गद्दा रखते हुए इन्होंने थोड़ा पट किया, थोड़ा थपेड़े में हवा चल रही है, ऊंचा किया मुन्नू भाई ने, ऊंचा किया ताकत से खींचते चले यार, वो अंदर दिखा रहे इनको रोकना होगा, रोका रोका फिर से थपका है, कमाल का पेच काटा है, जैसे ही देखा वो डोर पे रख रहा था इन्होंने थपकते हुए ऊंचे मुड्ढे पे बाहर निकाल लिया, भयंकर पेच। और ये पांच पेच चलिए पांच पेच काट दिए हमारे मुन्नू भाई ने, मुन्नू भाई ने आज पूरी महफिल लूट ली है भैया, अपने पेच के तरीकों को लड़ा के पीछे सारे पतंग जो है अपने लिए हुए हैं, लेकिन सबको इंतज़ार करा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया था कि पिछले मैच में शायद किंग ज़्यादा कट गई थी, तो यही होता है। आज देखिए कितने पाँच छः सब किंग ने ही काटे, आठ पेच तक काट दिए थे दिनचू ने भी। दिन होता है, अलग अलग दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटता है कोई कटता है। आज चार या पाँच पंजे से ज़्यादा काटे गए, एक आठ भी हुआ, एक छः भी हुआ, चलिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं कोई बहुत बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कभी दिन उनका भी हो सकता है, कभी दिन हमारा होता है कि नहीं। तो मुन्नू भाई के पेज आप देख रहे हैं, बहुत कमाल के पेज, बिल्कुल उस्ताद हैं, उस्तादों वाले पेज दिख रहे हैं आप लोग। ये दूर के रेंज के पेज कैसे होते हैं आप सीख रहे हैं, अभी इससे पहले छोटे रेंज पर गोल्डी और धिनशू ने सिखाया, मीडियम रेंज पर हमारे पिंटू भाई ने छः पेज काटे फंसा फंसा के, झटक के बाहर खींच के, चलिए। और कैसे नौ बचाना है ये छोटू ने बताया, मतलब दोनों तरफ से बढ़िया पतंगबाजी हुई। लेफ्ट साइड अंदर की तरफ से अंदर आते हुए, लेफ्ट साइड ऊपर से अंदर की तरफ आते हुए मुन्नू भाई ने ऊंचा कर लिया है, उसने गद्दा चला, ये थपकते चले जा रहे, वो गद्दा मारते चले जा रहे, उनका गद्दा अंदर आ रहा है, ये थपकते चले जा रहे, और इस बार जो है बहुत ज़्यादा डोर से कट गई, ये देखिए कैसे डोर से कटी है, खूब डोर से कटी है, बढ़ कट गया इस बार, अच्छे पेच सिखाए थे मुन्नू भाई ने। हाँ, लड़ाओ लड़ाओ, तो धोखा हो गया उसके साथ।